वहीं हासी के इस पूरे मामले को लेकर दूसरा पक्ष भी हमारे साथ मौजूद है। उनका क्या मानना है इस पूरे मामले को लेकर, क्या जो पहले वाले परिवार ने बातें कही हैं वो किस तरीके से सच हैं या नहीं, इनसे जान लेते हैं। सर, किस तरीके से आपके साथ ये पूरा मामला हुआ, क्या हुआ और कब हुआ? मामला ये कल रात का है जी, तकरीबन 8:30-9 बजे का जी। तो क्या हुआ जी, इनके जो लड़के हैं वो डिफाल्टर किस्म के हैं जी, वो नशा भी करते हैं, वो चोरी भी करते हैं, वो किसी की छीना छपटी भी करते हैं, मारपीट भी करते हैं जी। तो अब सारे मोहल्ले को पता है जी इनकी, ये बच्चे कैसे हैं, सारा मोहल्ला उनसे तंग है जी। तो वो हमारे घर के आगे आके और हुड़दंग कर रहे थे जी, सीटियां बजा रहे थे, हुड़दंग किलकी मार रहे थे। तो ये बड़ा भाई दुकान पे से आ रहा था और मैं पहले आ चुका था, घर में रोटी खा रहा था। तो इसने उनको बोला, टोक दिया, भाई यहाँ वो अल्लाह मत करो, तुम्हारा घर जाके करो, यहाँ भाई भाण बेटी तारी भी ऐसी मारी भी ऐसी, यहाँ ऐसा काम ना करो भाई, अपना घर जाओ, वहां तमकिल की मारो, कुछ भी करो। तो उन्होंने, चार बंदों ने इसके मेरे भाई को पकड़ लिया जी, इसको पीटने लग गए। बड़ी मैन गली के साथ साथ ये बीड़ी गलियां हैं, बीड़ी गली में ले गए जी इसको, अंदर 10-12 फुट अंदर ले गए बीड़ी गली में, और वहां इसको पीटने लग गए। तो वो शोर सा सुन के अड़ोसी पड़ोसियों को पता लगा, उन्होंने इसको छुटाया जी। इतने में बच्चे बाहर खेल रहे थे, वे अंदर आ गए, कहने लगे रोला हो गया। मैं कहा किसका हो गया भाई, मैं अपने मोहल्ला में हो जाया करे, होने दो, रोटी खाने दो मैंने तो भाई। फिर वो दो मिनट बाद मैंने पता लगा भाई मेरे भाई को पीट रहे हैं। तो मैं अपने चला गया, जब तक पड़ोसियों ने छुटा दिया था वो अब क्या चले गए थे, इसको इधर ले आए थे पड़ोसी। मामला क्या? मामला यही था जी, उन्होंने पीट दिया इसको। किस बात पर? वो हुड़दंग किलकी मार रहे थे, सीटियां मार रहे तो थे, आपने रोक रहे थे। हाँ, ये भाई बोला भाई यहाँ ना करो ऐसा, हमारा घर का आगे तुम्हारे घर, अपने घर के आगे जाके करो। लेकिन भाई अगर दूसरे पक्ष की बात करें तो उनका कहना है कि जैसे वो रिचार्ज करवाने के लिए गए थे और उसी वक्त जो है आप लोगों ने गाली गलौज को लेकर जो है इस तरीके से मारपीट की। अब ये है जी, कोई अपने पक्ष में कुछ भी बोल सकता है, ऐसे कौन कहेगा कि भाई मेरी गलती है, कौन कहेगा? यदि मैं किसी दुकान पे कोई सामान लेता हूँ, रिचार्ज भी सामान लेना है एक प्रकार से, तो मैं किसी, मेरे के साथ कौन लड़ाई करेगा बताओ? अच्छा। या मैं कुछ गलत बोल लूंगा तभी करेगा ना कोई, ऐसे थोड़ी मैं अगले में जाते उनको तो कहने उन्हें रोकने के लिए गए थे। नहीं, मैं नहीं रोकने गया था, वो उसके साथ हो गया, पड़ोसियों ने छुटा दिया इसको भाई को। मैं बाद में गया हूँ, फिर हम बाद में गए इसके पापा को कहने, भाई तेरा बच्चा ऐसे ऐसे कर रहा है, पीट दिया हमारा भाई। तो ये इसका पापा भी घर नहीं था, उनके लड़कों ने आपके भाई को पीटा, चार लड़कों ने मेरे भाई को पीटा अकेले को, हाँ बीड़ी गली में घेर के। ये तो पड़ोसी ने बचा लिया, वो ईट उठा रखी थी, ईट मारने लग रहा था इसका। वैसे आपने अपने आप को बचाने के प्रयास में किस तरीके से? अब कुछ नहीं हुआ जी, हम इनके घर जाके इसका उसके पापा को कहने गए, और जो दूसरे लड़के थे उनको भी घर कहने गए। अच्छा। भाई तुम्हारे लड़के ने ऐसे ऐसे पीट दिया हमारे भाई को, यार कोई तू कहियो, कोई अपना ने संभालो, ना संभालते तो कुछ इलाज करो इनका। तो जब बात हो गई, उन्होंने बोले ठीक है सुबह कर लेंगे, हम अपने घर आ गए वापस। मां चलो भाई अपना अपना घर चलो। हम घर के बाहर बैठे थे, एक ये महेंद्र, एक सिब्बी, महेंद्र की घराली, मैं उसके सिब्बी के भाई, ये कई बंदे आ गए जी। ये बातें करने लग गए भाई, किसका कसूर, किसकी गलती। इतने में वो तू मैं सीधा ही है जी ये कहानी, तो ये हाँ। तो फिर वो जैसे बहस शुरू होगी तो इनके लड़कों ने उधर से ईट बरसानी शुरू कर दी जी। ईटे फिर लगी, ये भाई को लगी, मेरा छोटा भाई का अंगूठा टूट गया, और सिब्बी के लड़के ने, उसको काला बोलते असली नाम मेरे को पता नहीं, उसने मेरे तलवार मारी जी यहाँ पे, 6 टक्के आए हुए। और आपने बचाव में किस तरीके से प्रयास किया? बचाव में मैं ऐसे साइड में हुआ तो मेरे यहाँ लग गया, और मैं फिर गिर गया जी नीचे। अच्छा। ऐसे गिर गया, मैं बेहोश हो गया। फिर ये भाइयों ने उठाया, मेरे को पता नहीं उस टाइम का क्या। आपने कोई वार नहीं किया उन पर? मैं कैसे वार करूं जी, मैं कोई वार के हिसाब से गया था। मैं भी जो हाथ टांग के आया तो वो किस तरीके से आए? वो जो इट्टे बरसाई है उन्होंने उधर से, उनका तो खुला प्लाट है, हम गली में रह गए, और ये इधर हमारे से बात करने लग रहे थे, और भीड़ इकट्ठी होगी, ईट पूछ के थोड़ी लगेगी किसका लगू मैं, वो तो किसी को भी लगेगी।
तो मेरे कुल्हाड़ी मारी है, ईंटे लग रही है जी, झूठ बोले। अब थोड़ी देर पहले वो राड़ कह लग रही, डंडा कहने लग रही, कुछ भी कह सके। अब वो अलग अलग न्यूज में आप देखोगे, अलग अलग अपना आपका पता लग जाएगा। आप ये मानते हैं कि जो उन्होंने बयान दिए हैं वो सब गलत? हाँ सब गलत है, आप ही देख लोगे जी सारी न्यूज में। तो जैसे मैं गिर गया तो ये मेरे भाइयों ने उठाया, तो 10-15 मिनट बाद मेरे को होश आया, तो फिर अस्पताल में मेरे ये पट्टी पुट्टी और लग रही। कितने टांके आए हैं? मेरे 6 टांके आए हैं। वहीं अगर बात करें कि आपको उस वक्त कौन लेकर आया यहाँ पर? अब मेरे को उस टाइम पता को नहीं जी, 15 मिनट बाद होश आया तो मेरे भाई भुई चाचा के लड़के ये लेके आए थे जी मेरे को उधर अस्पताल में। अस्पताल में मैं होश में आ चुका था, मैं ठीक था। तो फिलहाल हिसार की जनता आपको देख पा रही है किस तरीके से, जो है दूसरे पक्ष ने भी अपनी राय रखी है और आपने भी अपनी राय रखी है, क्या अपील करना चाहेंगे हिसार की जनता? अपील ये करना चाहूंगा जी, जो इनके लड़के हैं जो डिफॉल्टर चलने लग रहे हैं, नशे कर करके छीना छपटी करे हैं, किसी की बाइक उठा हुए, तो जी उन पर कार्रवाई की जाए, जायज कार्रवाई की जाए। वहीं पुलिस प्रशासन की बात करें तो किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है? पुलिस प्रशासन को हम तो अस्पताल में आ गए थे, हमारा तो इलाज चला था जी। अब अपना पड़ोसियों ने इन्होंने फोन करके पुलिस को बुलाया है, उधर इनसे कुछ बात हुई है, तो अभी तक तो कोई आगे वो कार्रवाई। पूरे मामले में आप किसकी गलती मानते हैं? गलती तो इनके बच्चों की है जी, और इनकी गलती है ये अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं करने लग रहे। वो जेल जाना उनका तो आना जाना रोज का काम हो रहा है, फिर जब बोले एक केस और लग जाएगा, मैं चलो भाई मार लो फिर कम। फिलहाल पूरा मामला आपके सामने है, हिसार की जनता समझदार है, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, सच पानी का पानी हो। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें और देखते रहें आरएसएन एक्सप्रेस।